स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट नाइन न्यूज पर। जी हाँ, कपिल शर्मा को हम बेस्ट कॉमेडियन के तौर पर जानते हैं। उनका शो द कपिल शर्मा शो काफी ज्यादा फेमस रहा है। जी हाँ, लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा कई बार कई विवादों में घिर चुके हैं। जी हाँ, तो आज इस रिपोर्ट में हम कपिल शर्मा के उन सारे विवादों के खुलासे करेंगे जो अब तक सामने आए हैं। अब तक कपिल शर्मा के गुस्से का शिकार बहुत लोग हो चुके हैं और कई विवादों में कपिल शर्मा का नाम सबसे ऊपर रहा है। जी हाँ, वो सारे विवाद आज इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कैसे कपिल शर्मा इन सारे विवादों में घिरने के बाद माफी मांगते हुए भी नजर आते हैं। लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट। कॉमेडी किंग कपिल शर्मा अपनी मज़ेदार बातों से हर किसी को हंसाते हैं, लेकिन अक्सर अपनी बातों की वजह से विवादों में भी पड़ जाते हैं। वो अक्सर अपना आपा खो देते हैं और कुछ ऐसा कह देते हैं जिसकी वजह से उन्हें बाद में पछताना पड़ता है। जी हाँ, ऐसा ही हमेशा कपिल शर्मा के साथ होता है। जी हाँ, तो ऐसे ही किस्सों के बारे में हम आपको बताएंगे जब कपिल शर्मा विवादों में पड़ गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि हाल ही में जब मुंबई एयरपोर्ट पर व्हीलचेयर पर कपिल शर्मा को स्पॉट किया गया था, तो वो मुंबई हवाई अड्डे से अपनी टीम के साथ कार की ओर जा रहे थे, जहां पैपराची कपिल को देखकर उत्सुक हो गए और उनके करीब से तस्वीरें लेने लगे, जो कपिल को बिल्कुल भी रास नहीं आया। जी हां, कपिल ने गुस्से में आकर फोटोग्राफर्स के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, जो कैमरे में भी रिकॉर्ड हो गया। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वजह से सोशल मीडिया पर कपिल को काफ़ी ज़्यादा ट्रोल किया गया, क्योंकि लोगों को कपिल के इस बर्ताव की उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि कपिल शर्मा ने कास्ट समुदाय के एक देवता पर कटाक्ष किया था, जो कास्ट समुदाय के लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया था। इस वजह से कास्ट समुदाय के लोगों ने कपिल का बहुत विरोध किया था। इतना ही नहीं, उनकी नाराज़गी इतनी बढ़ गई थी कि कपिल को बाद में कास्ट समुदाय से सोशल मीडिया के ज़रिए माफ़ी तक मांगनी पड़ गई थी। वहीं साल 2015 में मराठी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स के दौरान कुछ एक्ट्रेस ने कपिल शर्मा पर उनके साथ बुरा बर्ताव का आरोप लगाया था। हालांकि इस बारे में कपिल ने कुछ भी स्पष्ट नहीं किया और ना ही मीडिया से कोई बात की, मगर सोशल मीडिया पर एक ट्वीट किया जिसे पढ़कर हर कोई अंदाज़ा लगा रहा था कि शायद कपिल माफ़ी ही मांग रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर के साथ कपिल का झगड़ा बहुत सुर्खियों में रहा था। जी हाँ, कपिल शर्मा और सुनील ग्रोवर के विवाद के बारे में हर कोई जानता है। दोनों कभी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। सालों तक कपिल और सुनील ने साथ काम भी किया और फैंस भी दोनों की जोड़ी को बहुत पसंद किया करते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कपिल के गुस्से की वजह से ही दोनों की दोस्ती में दरार आई। जी हाँ, दोनों के झगड़े के बारे में लोगों को तब पता चला जब अचानक सुनील ने कपिल शर्मा का शो छोड़ दिया। भले ही दोनों मीडिया में अपनी दुश्मनी खत्म करने की बात कर रहे हों, लेकिन आज भी सुनील कपिल के साथ काम नहीं करना चाहते। कपिल शर्मा टीवी इंडस्ट्री के सबसे मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन हैं और सालों से लोगों को अपने शो द कपिल शर्मा शो के जरिए हंसाते आ रहे हैं। हालांकि अब उनके शो को बंद किया गया है क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन जल्द ही ये शो ऑन एयर भी होने वाला है। जी हाँ, इस शो के OTT पर आने की बात भी कही गई थी। कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर एक्ट किया करते थे और धीरे धीरे कपिल से भी बड़ा नाम बनते जा रहे थे। दोनों की जोड़ी सुपरहिट थी और इस शो को बहुत फ़ायदा भी मिल रहा था। हालाँकि ऑस्ट्रेलिया टूर से लौटते समय कपिल और सुनील के बीच ज़बरदस्त लड़ाई हुई और सुनील ने शो को अलविदा कह दिया।
सुनील के जाने से शो को बहुत नुकसान हुआ और शो की टीआरपी भी बहुत कम हो गई। इसके बाद कपिल ने बहुत से कॉमेडियन को अपने शो पर बुलाया, लेकिन दर्शकों को शो पसंद नहीं आया। वहीं आपको बता दें कि सुनील ग्रोवर से झगड़े के बाद कपिल ने शो में दोबारा शुरू किया फैमिली टाइम विद कपिल के नाम के साथ। जी हाँ, इसका एक एपिसोड ही टेलीकास्ट हुआ था, लेकिन विवाद खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इस पर शो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी अपनी आने वाली फिल्म हिचकी को प्रमोट करने पहुंचने वाली थी, लेकिन कपिल ने उन्हें बताया कि शो नहीं हो पाएगा और शूटिंग कैंसिल कर दी गई। इसके चलते रानी मुखर्जी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ भी हो गई थी। द कपिल शर्मा शो में बॉलीवुड के दिग्गज सितारे अपनी फिल्म प्रमोट करने पहुंचते हैं। शो के सितारे बहुत ही हंसी मजाक के मूड में नज़र आते हैं। हालांकि नई पारी शुरू करने के बाद कपिल ने बहुत से सितारों को सेट से लौटा दिया था, जिसके चलते उन्हें बहुत आलोचना का शिकार होना पड़ा था। बता दें कि कपिल के शो से शाहरुख, अजय देवगन, दिशा पाटनी, टाइगर श्रॉफ जैसे सितारे बिना शूटिंग के लौटे थे और बड़ा विवाद खड़ा हो गया था। शो में कपिल बहुत मस्ती करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कई बार उनकी हंसी मजाक की बातें लोगों को बहुत ख़राब लग जाती हैं। जब संजय दत्त फिल्म पानीपत के प्रमोशन के लिए कपिल के शो में पहुंचे थे, तो उन्होंने फिल्म संजू को लेकर एक जोक किया था। जी हाँ, इस फिल्म में संजय की 308 गर्लफ्रेंड होने वाली बात कही गई थी, जिसका जिक्र करते हुए कपिल ने इस बात का सच संजय दत्त से पूछ लिया था। उसके जवाब में संजय दत्त ने कहा था कि ये गिनती आगे भी जारी रह सकती है। इसे लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद खड़ा हो गया था। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि आपके पूर्व नेता और कवि विश्वास कुमार ने एक कविता इस शो के दौरान पढ़ी थी, जिसमें विवाहित महिलाओं को सामान कहा गया था। इसको लेकर भी शो को काफ़ी फजी हद झेलनी पड़ी थी। जी हाँ, तो कपिल शर्मा कई विवादों में पड़ चुके हैं और अब तक कई विवादों का हिस्सा रह चुके हैं, जिनके कारण उन्हें ट्रोलिंग का शिकार होना पड़ा है। कई बार उन्हें माफ़ी तक मांगनी पड़ी है। देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना कि कपिल शर्मा अब तक कितने सारे विवादों में घिर चुके हैं। जी हाँ, लोगों को हंसाने वाले कपिल शर्मा के बारे में किसी ने यह सोचा नहीं होगा कि उन्हें इतना गुस्सा भी आता है और उनके गुस्से का शिकार कई लोग अब तक हो चुके हैं। जी हाँ, तो आज आपने कपिल शर्मा के उन सारे विवादों के बारे में जाना जो अब तक उनके साथ घटित हुए हैं। जी हाँ, कपिल शर्मा शो हो सकता है कि जल्द ही OTT प्लेटफॉर्म पर लौटे। जी हाँ, TV पर भी ये प्रसारित हो सकता है, इसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। फिलहाल आपको इस रिपोर्ट को लेकर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।